अच्छा मैन पावर चला गया सब। मैन पावर खत्म हो गया, कौन करेगा बताओ मेरे को। Okay. बात खुल के कर रहे, मैं इतनी बात ही नहीं करता किसी के साथ। नहीं हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो तीन चार दिन से ढूंढ रहा हूँ कि न्यूज में आ रहा है ऑनलाइन डिलीवरी चालू हो गई है। न्यूज में आ रहा भैया, लेकिन आप प्रैक्टिकल देखो ना, अपनी दुकान खुली दिखाई दी आपको। हाँ वही मैं, हम लोग सब ताजुब कर रहे हैं कि चक्कर क्या है, खुल क्या है सीन। चक्कर अभी समझ आ गया आपको कि नहीं आ गया? अच्छा मैन पावर गाँव भाग गया सारा, इसलिए कोई है नहीं डिलीवर करने। अब कौन करेगा बताओ, कौन करेगा? अरे यहाँ पे देने को, दुकान पे देने के लिए आदमी नहीं है तो होम डिलीवरी की बात ना। तो ये आपको क्या लगता है कि मुंबई की दुकानें खुलेंगी आने वाले 10-15 दिन में? खुलेंगे तो सही, खुलेंगे तो सही, गवर्नमेंट को खोलना पड़ेगा, पर उनकी कंडीशन बड़ी टफ है। तो टफ कंडीशन पूरी नहीं कर पाएंगे कुछ भी। और ये कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि परमिट बनाओ ऑनलाइन, और परमिट बनाओ और आ जाएगी दारू। परमिट बनाओ कोई बात नहीं, परमिट बना के रखो, तुम्हारे काम आएगा, अच्छी बात है। ओके, हो सकता है परमिट के ऊपर ही देना पड़े हमको, एक एक परमिट नोट करके, वो हो सकता है, बस परमिट बनाओ, डिफरेंट इशू। बाकी ऑनलाइन पैसा मत डालो, किसी घर में किसी गरीब की सेवा कर दो, किसी बुजुर्ग की सेवा करो। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा सर। आप ध्यान रखें और ये शौक मैं तो ध्यान रख रहा हूँ, मेरा क्या, मैं तो देखो, मैं तो देखो जो भी आता है मैं उनको बराबर समझाता हूँ अच्छे से, ऐसा नहीं है जी। फिर भी लोग नहीं समझते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर उनको बोलता हूँ MNDC पुलिस चौकी में जाओ और उधर कम्प्लेंट हो जाके। लेकिन अभी वो भी क्या करेंगे, वो भी कुछ नहीं करते सर। वहाँ पे साइबर सेल होती है, इसी के लिए होती है कि फटाक से एक्शन लिया जाए, वो बाकी कुछ देखते नहीं वो लोग, पुलिस वाले यही काम देखते हैं। कुछ नहीं देखते साले, आप चले जाओ ना, आप एक बार जाके आओ, जाके तो आप जाके आओ, आपको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। नहीं मतलब मैं तो मुझे, मैंने खबरें पढ़ी थी कि फेक हो रहा है, लोगों का पैसा लूटा जा रहा है फेक नंबर से, ये तो मैंने कहा ये तो मेरे सामने लाइव एग्जांपल आ गया साला। मेरे को भी लोगों ने व्हाट्सएप पे मेरी दुकान का फोटो नंबर डाल रखा है, मैंने सेम का सेम आगे फॉरवर्ड किया पुलिस चौकी में। हाँ कुछ नहीं, जीरो बटा जीरो। या तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा तो पुलिस की भी मिली भगत रहती होगी, पता नहीं क्या मालूम पता नहीं, ऐसा भी सोच लेते हैं कभी कभी हम, जब पुलिस एक्शन नहीं ले रही तो उसका मतलब क्या है, वो ये तो नहीं बोलेंगे हमारी है, लेकिन एक्शन जो लेते हैं बहुत आसान है कि उनको एक नंबर बंद करना बहुत आसान है, इन्वेस्टिगेशन करते रहना। मेरी बात सुनो, एक तो नंबर हो गया, दूसरा तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट के कौन से अकाउंट जा रहा है, वो तो अकाउंट तो सीज कर रहा है। करेक्ट, उससे बोलिए क्या चीज है, तुम्हारे अकाउंट से पैसा कटा दूसरे अकाउंट में जा, जिस अकाउंट में गया वो अकाउंट तो उनके पास आ सकता है ना फटाक से। करेक्ट, पुलिस के लिए तो बहुत ईजी, क्योंकि आप और हम नहीं कर सकते होगा। राइट, तो बस सब ये बातें हैं। मेरे को तो रोज 50-100 कॉल आते हैं, मैं तो हर एक को, लेकिन फिर भी रिप्लाई दे देता, नहीं तो मैं कॉल भी अनलाउड नहीं उठाता ज्यादा करके, लेकिन मैं हर एक को रिप्लाई देता हूँ। बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने अच्छा किया फोन उठाया, क्योंकि चलो अपनी तो बात हो गई, मुझे तो शक हुआ और आपने कंफर्म कर दिया, कितने लोग तो उस नंबर के भरोसे आगे चले जाएंगे। कुछ और नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लोगों को सबको मेरे ख्याल में लोगों को भी जागृति आ चुकी है, लेकिन जब देखो दुकानें बंद है, गवर्नमेंट ने बंद करके कोई दुकान खुली दिखाई दे रही है, तो ऑनलाइन कैसे आप पैसा दे रहे हो, कैसे पुलिस जाते ही आप एक बार पुलिस के पास जाओ, जाते ही आपको 4-5 पुलिस सुनाएगी। बोलेगी आप लोग अक्कल है कि नहीं है, दिमाग है कि नहीं है, सीधा पुलिस ने ही बोलना है, सामने वाला बोलते हैं ना गोडाउन से दे रहा हूँ सर। अरे भाई गोडाउन से आपको मालूम है, एक्साइज का मामला है, गोडाउन गोडाउन कुछ नहीं होते। मैं आपको बोलता हूँ एक क्वार्टर भी गलत है, अनऑफिशियल है, इलीगल है, दुकानें सील हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, मैं करता हूँ कम्प्लेन, मैं भी करता हूँ। अच्छा मैन पावर चला गया सब, मैन पावर खत्म हो गया, कौन करेगा बताओ मेरे को। नहीं हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो तीन चार दिन से ढूंढ रहा हूँ कि